कि भारतीय जनता पार्टी से सही मायने में अगर कोई टकरा सकता है तो खांटी समाजवादी जो होगा वही टकरा सकता है, यही इलाज कर सकते हैं। तिरंगे पे बोलते हैं तो लगता है मजाक कर रहे हैं, देशभक्ति पे बोलते हैं तो लगता है मजाक कर रहे हैं, देश के आजादी के आंदोलन पे बोलते हैं तो लगता है मजाक कर रहे हैं। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबिरी की वो देशभक्ति की बात करते हैं, जिन लोगों ने तिरंगे के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया कि तिरंगा हमारा झंडा नहीं होना चाहिए वो तिरंगे की बात करते हैं। तो जिन महापुरुषों के बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, अगर उनके इतिहास को हम लोग जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति। इसलिए कि राजनीति से कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल दूर हो गई है, राजनीति में विचारों की चर्चा, मुद्दों की चर्चा, सिद्धांतों की चर्चा लगभग समाप्त हो गई है। आज पार्टी ज्वाइन करते हैं, कल से एमएलए बनना है, सांसद बनना है, एक पूरी राजनीति का जो कल्चर था, और मैं अपने आप को कम से कम इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे रघु ठाकुर जी का साथ मिला और इनके सानिध्य में बैठ के मुझे राजनीति क्या है ये सीखने का मौका। और अभी आपने देखा यहां पे हम लोगों को तीन लाठी पड़ जाती है, थोड़ा सा घसीट लिया जाता है, पुलिस वाले धक्का मुक्की कर देते हैं, हमें लगता है हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। लगता है कि नहीं लगता है? जिंदगी का 7 साल जेलों में बिताने का काम रघु ठाकुर जी ने किया है, शहनवाज कादरी साहब बैठे हैं 52 बार जेल जा चुके हैं, राजनाथ शर्मा जी बैठे हैं पूरे इमरजेंसी में जेल रहे हैं, हम लोग तो 7 दिन भी शायद जिंदगी का जेल में नहीं बिताए होंगे किसी आंदोलन में। तो जिन महापुरुषों के बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, अगर उनके इतिहास को हम लोग जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति पैदा होगी निरंकुश सत्ता के खिलाफ लड़ने। और जो कई बार मुझसे लोग कह देते हैं कि आप मोदी जी के खिलाफ बोल देते हैं, आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोल देते हैं, तो उसका कारण यह है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा जहां पे डरना सिखाया ही नहीं गया, डरना शब्द डिक्शनरी में था ही नहीं। आंदोलन कर रहे हो, लाठी खाए, ठीक है कोई बात नहीं, जेल जाना है जाइए जेल, सत्याग्रह करना है कीजिए। मुझे पहली गिरफ्तारी हमने अपने जिलाधिकारी का पुतला फूंका था 7 जगहों पे, उसमें मेरी अरेस्ट हुई और 3 दिन तक मैं जेल में था। रघु जी को सूचना मिली, सुल्तानपुर में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में शहर के रेड़ी पटरी वाले से लेकर तमाम लोग जुटे आए, और जब तक रघु जी की सभा समाप्त हुई उससे पहले मेरा रिलीज ऑर्डर आ गया। यह होती आंदोलन की शक्ति। 97-96। और दूसरे दिन जिलाधिकारी रघु जी से हाथ जोड़ के कह रहा था, संजय सिंह जी को समझा लीजिए मुझे ये जिला चलाने दें, मैं इनसे परेशान हो गया। और उस पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष था जिसका एक भी पार्षद विधायक कुछ नहीं था, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। अब आगे बात करते हैं विचारों की स्वतंत्रता। आपने देखा
रघु जी ने एक बात पकड़ के और कादरी साहब की खिंचाई की और कादरी साहब ने उलट के उनको जवाब दिया। और ये एक दृश्य नहीं है समाजवादियों के बीच में, आप कभी ये मत सोचिएगा कि ये पहली बार हो रहा है। राजनाथ जी अभी अलग ढंग से खींच दिए रघु जी को, देखा होगा आपने। ये है सही मायने में डेमोक्रेसी। हम लोगों ने रघु जी के साथ इतने सालों तक काम किया और आज तक किसी भी बात में चर्चा करने में हिचक होती ही नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, मैं एक जिलाध्यक्ष था अपने जिले का, और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरे देश से लोग आए हुए थे। एक विषय पे मैंने कहा कि मैं ये प्रस्ताव चाहता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस विषय पे चर्चा हो। रघु जी चाहते थे कि नहीं, इस विषय को अलग से बातचीत कर लेंगे, हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस विषय को ना शामिल करें। मैंने कहा नहीं, इसको तो शामिल होना है और इस पे चर्चा होनी ही होनी है। तो बोले अजीब आदमी हो तुम, बात को सुनते नहीं। हमने कहा ना, इस पे तो चर्चा होनी है। लेकिन अब गुरु थे, बात भी माननी थी, तो विषय एजेंडा में नहीं आया। और कुछ विषय अंत में लिखा रहता है, अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से। तो जब सभा समाप्त होने की बात आई तो रघु जी ने कहा कि एक प्रस्ताव संजय सिंह का भी है और मैं चाहता हूं कि वो अपना प्रस्ताव इस सदन में रखें। मेरा सीना चौड़ा हो गया कि मेरे नेता को वो बात याद है। और मैंने अपनी बात कही और इनके जो विचार थे उस विषय पे उनकी जम के आलोचना की, सामने बैठ के आलोचना की कि आपकी इस बात से मैं 100% असहमत हूं, और अपनी असहमति जताई। इन्होंने फिर अपनी बात रखी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म हुई, फिर हम लोग आराम से खाना खाने चले गए। तनिक भी एक इंच मात्र भी व्यवहार में, बातचीत में, प्रेम में, स्नेह में इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैंने रघु जी की असहमति के बाद भी एक प्रस्ताव रखा और उस पर चर्चा करनी पड़ी। ये है सही मायने में डेमोक्रेसी, ये है सही मायने में लोकतंत्र की खूबसूरती, जो पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए, पार्टी के बाहर भी होनी चाहिए और ऐसे मंचों पे भी होनी चाहिए। और मैं आज कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से सही मायने में अगर कोई टकरा सकता है तो खांटी समाजवादी जो होगा वही टकरा सकता है, यही इलाज कर सकते हैं इनका। अब हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, इनका एक एक इतिहास जानते हैं। समस्या यही है, राष्ट्रवाद पे भाजपा बोलती है लगता है मजाक कर रहे हैं, तिरंगे पे बोलते हैं तो लगता है मजाक कर रहे हैं, देशभक्ति पे बोलते हैं तो लगता है मजाक कर रहे हैं, देश के आजादी के आंदोलन पे बोलते हैं तो लगता है मजाक कर रहे हैं। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबिरी की वो देशभक्ति की बात करते हैं, जिन लोगों ने तिरंगे के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया कि तिरंगा हमारा झंडा नहीं होना चाहिए वो तिरंगे की बात करते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा, हमको सबसे बड़ी समस्या ये है, ये पता चलेगा ऐसी छोटी छोटी विचार गोष्ठियों से, और ऐसी गोष्ठियां 1000 आपको 150 की संख्या में ही करनी है। ये भीड़ में बातचीत नहीं हो सकती, रैली में तो फिर सबकी मजबूरी है कि वोट कहां से आएगा उसके हिसाब से बोलना है, ये सबकी मजबूरी है, सत्यता है। लेकिन ऐसी गोष्ठियों के जरिए सही बातचीत और सही चर्चा 10 लोगों के बीच पहुंचे, 20 लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन सही बातचीत ऐसे कार्यक्रमों में भी संभव है। अब ये पुस्तक जो रघु जी की है कोरोना काल, उस दौरान फोन पे बात होती थी और भोपाल में रह के रघु जी ने
तमाम किताबें और उस समय तमाम कुछ लिखने का समय भी मिल गया और उसका सदुपयोग किया। और एक खासियत मैं आपको बता दूं रघु जी का कि सुबह उठने से लेकर रात तक किसी समय आप इनको खाली नहीं पाएंगे, ना खुद खाली रहेंगे ना आपको खाली रहने देंगे। मैं शुरू शुरू में काम करना शुरू किया तो मुझे बड़ी मुसीबत होती है, मुझे लिखने पढ़ने के काम से बड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है कि लिखने का काम ना कहा जाए मुझे। अब रघु जी के साथ रहिए आप तो फिर तुरंत लिखवाना शुरू करते हैं और कमरे में चलते रहेंगे और बोलते रहेंगे, उतनी ही तेज आपको लिखना है। और मेरी और रघु जी की हैंडराइटिंग में कंपटीशन हो सकता है कि किसकी ज्यादा खराब है। तो जब मैं लिख देता था और देता था कि ये लिख दिया मैंने, तो कहते थे भाई तुम्हारी राइटिंग तुम पढ़ो या खुदा, इससे नीचे के कोई पढ़ नहीं सकता इसको। तो फिर मैं ही उसको पढ़ के उसको फिर टाइप कराता था और अखबार एक निकलता था उसमें छपती थी वो चीजें, लेख वगैरह। लेकिन वो विचारों की ट्रेनिंग बहुत हुई, बहुत कुछ जानने को मिला। और जब आप लोहिया के बारे में जानते हैं, जब आप गांधी के बारे में जानते हैं, जब आप जयप्रकाश जी के बारे में जानते हैं, जब आप अंबेडकर के बारे में जानते हैं, जब आप अपने महापुरुष शहीद आजम भगत सिंह के बारे में जानते हैं, जब आप अपने महापुरुषों के बारे में जानते हैं, तो आपके अंदर हौसला आता है, हिम्मत आती है। और जो विविधता में एकता की बात नकवी साहब ने कही, उस विविधता में एकता के हिंदुस्तान को बनाने का संकल्प पैदा होता है। कोरोना काल में भी जहां एक बड़ी संख्या रही लोगों की मदद करने की, वहीं इस मौके पर नफरत फैलाने का भी कुछ लोगों ने काम किया। कोरोना काल ने ऐसा दिन दिखाया, पति चाहकर भी अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर पा रहा है, पत्नी चाहकर भी अपने पति की सेवा नहीं कर पा रहा है, बेटा चाहकर भी अपने बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है, पिता चाहकर अपने बेटे की मदद नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे को, एक भाई दूसरे भाई को छू नहीं पा रहा है। LNJP के 13 डॉक्टर कोरोना काल में शहीद हो गए, मैं उनको कहूंगा 13 डॉक्टर। अपने घर पे जाते थे, बाहर से परिवार को दूर से देख के बच्चों से टाटा करके चले आते थे, मिल नहीं पाए वो लोग। ऐसे ऐसे दृश्य, और जहां पीड़ा के बहुत सारे दृश्य हैं, वहीं पे कुछ ऐसी चीज हुई जिससे कुछ संतोष भी कभी कभी मिला कि हम लोग कभी जिंदगी में किसी के काम आ सके। एक दिन मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, लॉन जो है वहां पे, तो मैं देखा कि एक आदमी बहुत देर से घर के बाहर खड़ा है, 2-3 घंटे से, और किसी से कुछ कह नहीं रहा, बड़ा परेशान है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि जाके पूछो कि क्या बात है। तो उसने बताया कि उसकी बेटी वो कोरोना से संक्रमित है और उसके पेट में बच्चा है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो मैंने पूछा कि कहां है, तो पता चला कि गाजियाबाद के गुरुद्वारे में ऑक्सीजन दिया जा रहा था उसको। तो मैंने पूछा कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो आपको जान के हैरानी होगी और मैं ये खुद भी हैरान हुआ। तो उसने कहा कि उसका ऑक्सीजन लेवल 27 है। तो मैंने कहा कि कोई एम्बुलेंस का इंतजाम है, बोले एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं है, उसका जो दामाद है वो ऑटो चलाता है। तो वो 27 साल की महिला जिसके पेट में बच्चा था, 25-26 साल की जिसका ऑक्सीजन लेवल 27 था, मैंने उसके पति से बात की, मैंने कहा क्या किया जा सकता है। उसने कहा कि अगर इसको जल्दी से आधे एक घंटे में कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मेरी पत्नी भी मर जाएगी और इसके पेट का बच्चा भी मर जाएगा। तो एक राजीव गांधी हॉस्पिटल में डोगरा साहब थे, मैंने उनको फोन किया, विकास डोगरा साहब,
मैंने कहा कि ये है मामला, तो बोले कि सर ऐसे केस में तो क्या किया जा सकता है, इसको तो लेना ही बहुत रिस्की है। मैंने कहा तो दो ऑप्शन है, या तो वहां पर इलाज के अभाव में मर जाए या रिस्क लेके आपके पास तक पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं कि वो अपनी पत्नी को ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर के सपोर्ट से हॉस्पिटल पहुंचा सके, और कोई एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं, गुरुद्वारे में ऑक्सीजन चल रही थी उसकी। तो वो अपनी पत्नी, मैंने कहा फिर ठीक है निकलो, अब तुम तो तुम्हारे पास कोई रास्ता तो और है नहीं, तो अपनी पत्नी को वो ऑटो में बैठाल के और लेके भागता हुआ आया, और जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी का, वहां पे पहुंचा। पहले से कह रखा था तो गेट वेट खुला था, तुरंत उन लोगों का एडमिशन हुआ। पहुंचने में 40-45 मिनट लगा, उसका इलाज शुरू हो गया। और डर के मारे मैंने 15 दिन तक उसके पिता से पूछा ना इलाज नहीं, कि ये सोच के कि वो तो बची ही नहीं होगी, क्योंकि 27 था उसका ऑक्सीजन लेवल। लेकिन 15 दिन के बाद डॉक्टर से मैंने डर के ऐसे ही एक दिन पूछा कि अरे यार जो वो औरत एडमिट हुई थी क्या हुआ उसका, कहा सर वो तो बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, वो औरत भी बच गई और उसका बच्चा भी बच गया। तो ये जो कभी कभी कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो ईश्वर की कुछ मर्जी थी। लेकिन इस दौर में भी अगर हम लोग एक दूसरे के लिए खड़ा होना नहीं सीख पाए, यहां पे हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, ब्रजेश मिश्रा जी, रात में 2-2 बजे तक फोन उठाते थे लोगों की मदद के लिए, जिसको कह दिया फोन किया, दिल्ली में था मैं उस वक्त। ऐसा नहीं, सब ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, क्या अधिकारी क्या नेता, जिससे जो बन पाया। लेकिन ऐसे दौर में भी मीडिया का ऐसा आचरण कि कैसे नफरत फैले, कैसे चीजों को जाति धर्म में बांटा जाए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अनुरोध है कि कम से कम मुसीबत में, महामारी में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस किताब में एक ही विषय नहीं है सिर्फ कोरोना का, तमाम मुद्दों पे रघु जी ने अपनी बात कही है। इसको सारे लोग जरूर खरीदिए, पढ़िए, और पढ़कर अन्य अन्य विषयों पे अलग अलग चर्चा 4 लोग 5 लोग 10 लोगों के बीच में भी अगर आप कर सकते हैं तो उसमें कीजिए, और इस बातचीत को और इस किताब में लिखे हुए मुद्दों को हम लोगों को आगे ले जाना है, बढ़ाना है। मुझे लगता है कि रघु जी की ये किताब आप सबके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपको एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर चीफ के पदों पे लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन रघु ठाकुर जैसे लोग 100 साल में एक ही पैदा होते हैं, जो सत्ता की ऊंचाइयों से प्रभावित हुए बगैर समाज के अंतिम आदमी के लिए जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं और उस पर सही मायने में चलने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे और मेरी बातों को इतनी देर तक बर्दाश्त किया। धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमती अनिता सिंह जी आएंगी, उससे पहले मुझे निर्देशित किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।